तो आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं कद्दू का रायता कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताती हूँ। और कद्दू का रायता बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनता है। तो रायता बनाने के लिए ये मैंने कद्दू लिया है, ये बारीक कटी हुई मिर्च है, ये धनिया है, ये मिर्च पाउडर है, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये पिसा हुआ जीरा है और ये आधा किलो दही है। तो सबसे पहले कद्दू को कद्दूकस करना है। कद्दू को कद्दूकस करेंगे। इसका पीछे का जो छिलका था वो निकाल लिया है, जो आगे का जो गूदा रहता है उसको भी निकाल लिए। अब इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस इसलिए करते हैं ताकि बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये मैंने कद्दूकस कर लिए है, अब इसको बॉईल करेंगे। कद्दू को बॉईल करने के लिए भगोने लिए गैस ऑन करेंगे। ये मैंने आधा लीटर पानी लिया है, पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से गर्म करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें ये कद्दू डालेंगे। कद्दू को कद्दू कस करके बॉईल करने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगता है, बॉईल थोड़ा जल्दी हो जाता है। 4 से 5 मिनट के लिए फुल गैस पे रखेंगे। कद्दू अपना बॉईल होने लगा है, अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। कद्दू हमारा बॉईल हो चुका है, गैस बंद करेंगे। इसका जो पानी है उसको निकालेंगे। पानी निकालने के लिए ये मैंने छलनी ली है, इसमें छानेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, नहीं तो दही जो होता है दही फटने का डर रहता है गरम डालने से। कद्दू हमारा ठंडा हो चुका है। अगर कद्दू को जल्दी ठंडा करना है तो इसमें ठंडा पानी में डाल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है इसको दबा के निकालेंगे थोड़ा। कद्दू का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिए, अब इसको दही में डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही में। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, मिर्च पाउडर रायते में ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं अच्छा लगता। ये मैंने चाट मसाला लिया है, चाट मसाला भी डालते हैं। ये नमक है, नमक भी अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये कटी हुई बारीक हरी मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो सबसे पहले नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे देखने के लिए। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ओरिजिनल सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ, जो घर में कोई भी आसानी से उसको बना सके। अब इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा भुंजा हुआ जीरा है वो डालेंगे। ये भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कद्दू का रायता अपना तैयार, अच्छे से पूरा मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ऊपर से धनिया पत्ती भी सर्व करते हैं और थोड़ा जीरा पाउडर भी सर्व करेंगे। तो हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से कद्दू का रायता तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रायता लगता है। तो हमारा कद्दू का रायता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।